दोस्तों, बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म किसी का भाई किसी की जान आज शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है। रिलीज से पहले ही फैंस के बीच फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा था। फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। चलिए जानते हैं आज सलमान खान का कितना जादू चला, यानी फिल्म ने टिकट खिड़की पर ओपनिंग डे पर कितने करोड़ रुपए बटोरे। पहले दिन किसी का भाई किसी की जान को शानदार तो नहीं, लेकिन अच्छी शुरुआत मिली है। फिल्म के सभी शो हाउसफुल रहे, सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ देखने को मिली, वहीं फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म कोरोना महामारी के बाद चौथी अच्छी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है। भले ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शुरुआत अच्छी रही हो, लेकिन उम्मीद के मुकाबले इस फिल्म ने कम कमाई की। फिल्म की कमाई की बात करें तो पहले दिन किसी का भाई किसी की जान ने एवरेज कलेक्शन किया है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर करीब 12 करोड़ का बिजनेस किया है, जबकि उम्मीद जताई जा रही थी कि पहले दिन फिल्म 15 से 18 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म 150 करोड़ के बजट में बनी है। ईद से एक दिन पहले रिलीज होने से फिल्म की कमाई पर असर हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 22 अप्रैल यानी ईद के मौके पर फिल्म की कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिल्म की बात करें तो किसी का भाई किसी की जान साउथ फिल्म वीरम की हिंदी रीमेक है। सलमान खान की फिल्म देश भर में 4,500 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज हुई है। फिल्म में फैंस को सलमान खान और पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री खास पसंद आ रही है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म को ईद की छुट्टी का फायदा मिलेगा और फिर वीकेंड पर फैंस पर सलमान खान का जादू चल सकता है। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की तो फिल्म में सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े, वेंकटेश, जगपति बाबू, शहनाज गिल, पलक तिवारी, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम, विनाली भटनागर जैसे कई मुख्य कलाकार हैं। फिल्म का निर्देशन फरहाद सामजी ने किया है और यह सलमान खान फिल्म्स द्वारा निर्मित है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।